हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हनुमान जी और भगवान शिव का युद्ध भी हुआ था, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसे संबंधित कथा का वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है। आज हम आपको इस बारे में बता रहे हैं। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नाम के नगर में जा पहुंचा। उस नगर के राजा का नाम वीरमणि था। वीरमणि भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए देवपुर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते थे। वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने जब यज्ञ का घोड़ा देखा तो उसे बंदी बना लिया। ये बात जब घोड़े की रक्षा कर रहे शत्रुघ्न को पता चली तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी भी वीरमणि की सेना का संघार करने लगे। श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कर ने जब राजा वीरमणि को घायल कर दिया तो उनकी सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। जब भगवान ने अपने भक्त का ये हाल देखा तो वे भी उनके पक्ष में युद्ध करने लगे। भगवान शिव को युद्ध करते हुए देखकर शत्रुघ्न भी वहाँ आ गए। दोनों भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान शिव ने वीरभद्र को पुष्कर से, नंदी को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेज दिया। वीरभद्र और पुष्कर का युद्ध 5 दिन तक हुआ। अंत में वीरभद्र ने पुष्कर का वध कर दिया। ये देखकर शत्रुघ्न को बहुत दुख हुआ। शत्रुघ्न और क्रोधित होकर शिव से युद्ध करने लगे। उनका युद्ध 11 दिनों तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। ये देख हनुमान जी स्वयं शिव से युद्ध करने लगे। हनुमान जी ने शिव जी से पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, तो फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? शिव जी ने कहा, मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा करने का वचन दिया, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ। इसके बाद हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कर मारे गए और शत्रुघ्न भी बेहोश है। मैं द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने जा रहा हूँ, तब तक आप इनके शरीर की रक्षा कीजिए। शिव जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। इधर हनुमान जी तुरंत द्रोणगिरी पर्वत गए और संजीवनी औषधि को लेकर पुनः युद्ध भूमि में आ गए। उस औषधि से हनुमान जी ने पुष्कर को पुनः जीवित कर दिया और शत्रुघ्न को भी स्वस्थ कर दिया। शत्रुघ्न और शिव जी ने फिर से युद्ध करने लगे। जब शत्रुघ्न किसी भी तरह से शिव जी से नहीं जीत पाए तो हनुमान जी ने उनसे श्री राम को याद करने के लिए कहा। शत्रुघ्न ने ऐसा ही किया। श्री राम तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। श्री राम को आया देख कर भगवान शिव भी उनके शरण में चले गए और वीरमणि आदि योद्धाओं से भी ऐसा ही करने को कहा। वीरमणि ने यज्ञ को घोड़ा भी श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य को उन्हीं को सौंप दिया। इस तरह ये युद्ध समाप्त हो गया। जय श्री राम।